अपने का कलम उठाई एट ए राइप एज ऑफ 76. इसलिए जो लिखा वो यूनिवर्सल ट्रुथ है. क्यों? एक्सपीरियंस्ड मैन हैज रिटन इट. अपने जीवन का अनुभव उन्होंने बताया. और हम तो लिखेंगे तो दो लाइन उसकी, दो लाइन उसकी, चार लाइन उसकी, और किताब बन गई. किताब बनने में कितनी देर लगे? रात भर में मैं एक किताब लिख दूंगा. हाँ, कॉपी पेस्ट. लैपटॉप में तो और आसानी हो गई, वो तो कॉपी पेस्ट है. एंड रिटन बाय स्वामी दिव्यानंद तीर्थ. नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है. हमारे ऋषि और मुनियों ने इतना लिखा है, इतना बताया है कि उसको अगर हम हृदयंगम कर लें तो बहुत है. हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हृदयंगम करने की जरूरत है. अपने हृदय में ले आओ, अपने हृदय में उतारो. सती नहीं पहचान पाई रोते हुए राम, और कहती है ब्रह्म जो व्यापक विरुच अज अकल अनीह अभेद, सो की देह दरी हो ही नर जाहि न जानत वेद. वेद जिसको नहीं जानता, ये माया है. हम अभिनय को देख रहे हैं, अभिनेता को नहीं देख पा रहे, अभिनेता को नहीं देख पा रहे. समझे, परसों मैंने एक एग्जाम्पल दी थी. कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक नाटक खेला गया जलियांवाला बाग इंसिडेंट के ऊपर, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया. वो ड्रामे के बीच में खड़े हुए और स्टेज पे चले गए और जूता निकाल के पात्र को इतना पीटा कि पूछो मत. बाद में उस पात्र ने कहा, आज मेरी कला धन्य हुई, ईश्वर चंद विद्यासागर जैसा व्यक्तित्व ये नहीं पहचान पाया कि ये नाटक है. उन्होंने मुझे जनरल डायर समझकर ही पीटा है. तो अभिनय इतना सटीक, अभिनय इतना सटीक हो. मैं एक बार विफल कलाकार हुआ, असफल. कोहिमा कॉलेज के फाउंडेशन डे पर जूलियस सीजर खेला गया था और मेरा रोल ब्रूटस का था. ब्रूटस अपने गार्डन में चिंतित मुद्रा में अप एंड डाउन कर रहा है. उसकी पत्नी पोर्शिया आती है, उसके पैरों पे गिरती है और कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूं, कैंट यू शेयर योर वरीज विद मी. तो वो अपनी पत्नी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है. मैं ब्रूटस बना हुआ और पोर्शिया को जब उठाने लगा तो ऑडियंस में बैठे हुए मेरे माता पिता से आंख मिल जाती है और मैं कांप गया. क्यों? जो पोर्शिया का रोल कर रही थी वो कोई लड़का लड़की बना हुआ थोड़ा ही था. वो हमारे कॉलेज की ही एक लड़की थी और वो भारतीय संस्कार ऐसे जागृत हुए कि माता पिता से जब आंख मिली उसको उठाऊं कैसे. पर हमारी डायरेक्टर बहुत अच्छी थी, आज भी मैं उनकी रेस्पेक्ट हृदय से करता हूँ. डॉक्टर आशा होराम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश थी हमारी. वो समझ गई कि कुछ हुआ है, उन्होंने पर्दा गिरवा दिया. पर कलाकार तो असफल सिद्ध हुआ. मैं कलाकार असिद्ध सिद्ध हुआ. तो ऐसा अभिनय नहीं, अभिनय कर रहे राम किसका? मनुष्य का. रामायण का जब मैंने अध्ययन किया तो लंका में जो युद्ध हुआ है वो कोई युद्ध नहीं, वो तो एक मदारी अपने
उसको झमूरे को जैसे कहता है नाच, ऐसे रावण नाचा है उनके सामने, वो युद्ध नहीं है। युद्ध दोनों के मानस में हुआ है। रावण ने प्रयत्न किया है राम के रामत्व को उभारने का। उन्होंने कहा ये सिद्ध हो जाए कि ये अवतार हैं तो मैं तो ब्रह्मा जी को ले आऊंगा पकड़ के, क्यों ब्रह्मा जी ने वरदान दिया उसे कि मनुष्य के हाथों मरोगे। रावण मरण रावण मरण मनुज कर याचा, रावण ने मरना मनुष्य के हाथ चाहा है। रावण मरण मनुज कर याचा, तो जैसे ही सुपन खाने आके सारी बात बताई, उसने कह दिया खरदूषण मौसम बलवंता, ते कोई मार है बिन भगवंता, बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। मारिच के पास गया, उन्हें कहा कंचन मृग बन जाओ। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा राम की परीक्षा करनी है। उन्हें कहा वो तो भगवान है, मैं कह रहा हूं। उन्हें कहा वहां गवाही नहीं चलेगी, प्रमाण चाहिए। वेद कहता है वो मायातीत है, माया व्याप्त नहीं होगी उसको। और मृग बन गया और राम तो उसके पीछे 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 चल रहे हैं। रावण ने कहा ये कैसा भगवान, ये अवतार नहीं हो सकता। रावण को भ्रमित कर दिया, सीता का उसने अपहरण किया। और यदि राम तब समाधि लगा के बैठ जाते तो कहता ये तो शंकर हैं कम से कम। इसलिए राम ने रोने का वो अभिनय किया है, जबकि वो अशोक वाटिका पहुंच गए, पूछे तो चले लता रूपाती, वो तो सत्य संकल्प है, त्रिकालदर्शी है। लता और पत्तों से ही जो पूछा सबसे पहले, पूछे तो चले लता रूपाती, सीता कहां मिली? लता और पत्तों के बीच में मिली। और जिनसे पूछा उन्होंने उत्तर दिया, हे खग जटायु ने उत्तर दिया, मृग सुग्रीव ने उत्तर दिया, मधुकर श्रेणी हनुमान जी बन के गए मच्छर, वो तो सत्य संकल्प है। राम सत्य संकल्प है, उनके संकल्प में कहीं कमी नहीं। तो माया क्या है? माया यही है कि हम अभिनेता पर दृष्टि नहीं रख रहे और केवल अभिनय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, बस यही माया है। हम सब्जेक्ट को नहीं देख रहे, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। हमारी दृष्टि सब्जेक्ट पर नहीं है, सब्जेक्ट इज द डूअर, तो जो कर रहा है उसको नहीं देख पा रहा है। हमारी दृष्टि सब्जेक्ट पर नहीं है, ऑब्जेक्ट पर है। बस इसी को माया मानो, यही माया है। जो है वो दिख नहीं रहा, जो नहीं है उसके ऊपर हम आ सकते हैं। एक चंद्रमा है केवल, किंतु भांग पी के कोई देखे तो दो चार भी दिखाई देते हैं चंद्रमा। राहु और केतु हैं पर दिखते नहीं है। तो जो है वो दिख नहीं रहा, जो नहीं है उस पर हम आसक्त हो जाते हैं, यही माया है। जीव और ब्रह्म में कोई अंतर है क्या? नहीं, कहो वैसे तात्विक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा क्यों पूछ रहे है, क्या इन्हें पता नहीं मैं कौन हूं? उन्हें का कोई ना कोई बात संसार को समझानी होगी, इसलिए पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा देह रूप से मैं आपका दास हूं। देह को अगर देखो तो मैं आपका दास हूं, और जीव रूप में मैं आपका अंश हूं,
आप ही ने कहा है ममैवांशु जीवलोक के जीव भूता सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और तात्विक दृष्टि से यदि पूछते हो तो मैं वही हूं जो आप हैं। तो प्रश्न उठा रावण कौन था? उनका देह दृष्टि से आपका शत्रु, देह दृष्टि से आपका शत्रु और जीव दृष्टि से आपका अंश, और वास्तव में वो वही था जो आप हैं। तो तात्विक दृष्टि से तो अहम ब्रह्मास्मि है, किंतु हम जब जीव बन जाते हैं तो फिर उसके अंश हैं, और जब देह में आ जाते हैं तो फिर मित्र हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं, दास हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जो पार्ट हम प्ले कर रहे हैं वैसा हम बन जाते हैं। एक पात्र है ग्रेसेन्यू, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, शेक्सपियर का ही ड्रामा है। उसमें वो कहता है दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट ए स्टेज, दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट ए स्टेज and here my part is that of a fool। ये विश्व क्या है? एक रंगमंच। ये विश्व क्या है? एक रंगमंच। और इस रंगमंच के ऊपर मेरा जो अभिनय मुझको दिया गया है वो है एक मूर्ख का। मैं तो मूर्ख का पार्ट अदा कर रहा हूं। तो हम सब अपना अपना रोल ही तो अदा कर रहे हैं इस रंगमंच पर, और इसी को फिर अलग अलग दृष्टि से हम देख रहे हैं। संसार में और उसमें क्या अंतर है? मुझ में और उसमें क्या अंतर है? एक उदाहरण से बताऊं। सागर की एक बूंद लेकर आओ और उसका परीक्षण करो, तो उस बूंद में और सागर के जल में कोई अंतर है क्या? टू वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, उसमें भी है और इसमें भी है, और उतना ही नमक, रेशियो से उतना ही नमक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जितना नमक सागर में है उतना ही नमक एक बूंद में है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर अंतर क्या है? बूंद दोबारा सागर में जा सकती है किंतु सागर बूंद में नहीं आ सकता। पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, विप्रधेनु सो संत हित लीन मनुज अवतार। एक जगह सत्संग हो रहा था, हमारी तो ये ट्यूशन क्लास है, सत्संग तो बड़े बड़े होते, बहुत बड़े बड़े सत्संग होते हैं, मीलों में पंडाल लगते हैं, और वहां चाय भी बिकती है, बिस्कुट भी बिकते हैं, भोजन भी बिकता है, और कॉपियां भी बिकती हैं, फोटो भी बिकते हैं, पता नहीं क्या क्या बिकता है। आजकल जो सत्संग होते हैं वो तो बहुत बड़े बड़े सत्संग होते हैं भारत में, वो आउटर रिंग रोड पर, मैं नाम नहीं लेता किसी का, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी, क्यों, बड़े बड़े सत्संग होते हैं। तो एक बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था, शंकर और पार्वती घूम रहे थे। पार्वती ने कहा देखो सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग में चलते हैं। शंकर ने कहा देवी ऐसी सत्संग रोज होते हैं, क्या करेगी उसमें जाके? उन्हें कहा आप सत्संग में जाने से रोक रहे हो? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो है। हाँ सत्संग समागम है, चलो। शंकर ने कहा जाऊंगा तो एक प्रश्न जरूर पूछूंगा। पार्वती ने कहा पूछ लेना, इतने बड़े महात्मा सत्संग कर रहे हैं,
तो उत्तर तो देंगे। जब उनका प्रवचन पूरा हो गया तो शंकर भगवान खड़े हो गए। जो वॉलंटियर्स थे, सेवादार थे, उन्होंने बतेरा इशारा किया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हैं महात्मा के सामने खड़े होते हो, बैठो। पर उन्हें क्या पता कि ये तो शंकर है, खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया। आखिरकार महात्मा को कहना पड़ा, क्या बात है भाई? उन्हें कहा, जी एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो पूछूं। उन्हें कहा, पूछो। उन्हें कहा, सुई के छिद्र में से क्या हाथी पार हो सकता है? सुई के छिद्र में से क्या हाथी पार हो सकता है? महात्मा ने कहा, देखो कैसा पागल आदमी है, कहीं सुई के छेद में से हाथी पार होता है? समय नष्ट कर दिया। शंकर भगवान ने कहा, जय हो महाराज, चले। घूमते घूमते गंगा के किनारे पहुंचे। जेठ का महीना, 12 बजे, एक महात्मा जो है रेत पर लोटे हुए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, चलो सत्संग करते हैं। उन्होंने इधर देखा उधर देखाया, कहीं कोई स्टेज नहीं, कोई शामियाना नहीं, कुछ नहीं। उन्हें कहा, क्या मतलब? उन्हें कहा, देखो वो महात्मा रेत पर लेटे हुए हैं, उनका सत्संग करते हैं। पार्वती ने कहा, उन्हें कहा, हम तुम्हारे संत के यहाँ गए नहीं गए, तुम हमारे संत के यहाँ चलो। पार्वती को जाना पड़ा। जाके भगवान ने चरण स्पर्श किया, महात्मा ने एक लात मारी और दूर जाके गिरे भगवान। फिर हिम्मत करके आए, फिर दोबारा चरण स्पर्श किए, इस बार जो है ब्रज भाषा में, वो ब्रजावली सुना दी उन्होंने। महाराज ने तीसरी बार प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, क्या है? भजन भी नहीं करने देते, कहां से आ गए, क्या बात है? उन्हें कहा, एक प्रश्न है महाराज। क्या? उन्हीं की सुई के छेद में से क्या हाथी पार हो सकता है? उन्हें कहा, मूर्ख, तू हाथी की बात कर रहा है? सुई के छेद में से संसार पार हो जाएगा जब उसकी इच्छा हो जाएगी। सुई के छिद्र में से हाथी नहीं, पूरा संसार निकल जाएगा जब उसकी इच्छा हो जाएगी। निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपार। उसकी इच्छा, संसार उसकी इच्छा से बना है, उसकी इच्छा से समाप्त हो जाएगा और जहां चाहेगा वहां से जो है निकाल देगा वो। तो एक्सेप्शन तो हो सकता है कि पूरे का पूरा सागर एक बूंद में आ जाए अगर वो चाहे। वो तो उसकी चाहत के ऊपर है, तो वो अवतार ले लेता है। उस समय पूरे का पूरा ब्रह्म ही तो एक शरीर में आ गया, किंतु नॉर्मली बूंद सागर में जा सकती है, सागर बूंद में नहीं आ सकता। ये अंतर है। रिते क्या, कारण क्रिया में समाता है, किंतु क्रिया से वो अपने आप को अलग भी रखता है। यथा महंति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। देखो ये महाभूत, पांच महाभूत हैं, वो बड़े बड़े लांत वाले बड़े वो भूत नहीं, पांच भूत हैं केवल। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, तो वायु में आकाश समाया या नहीं समाया? किंतु वायु से अपने आप को अलग भी रखा। आकाश और वायु दोनों ने मिलके अग्नि को उत्पन्न किया, तो अग्नि में वायु भी है आकाश भी है, किंतु अग्नि से वायु अलग है, वायु से आकाश अलग है। आकाश, वायु और अग्नि
तीनों ने मिलकर जल को उत्पन्न किया, तो जल में अग्नि भी है, नहीं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ जाती? केवल उसको प्रकट ही तो किया है हमने, है तो उसमें, जल में अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, इन चारों ने मिलकर पृथ्वी को उत्पन्न किया। तो पृथ्वी में पांचों चीज है, पृथ्वी में अपना गुण गंध है, जल का गुण रस है, अग्नि का गुण रूप है, वायु का गुण गति है, और आकाश का गुण शब्द वो भी है। तो पांचों पृथ्वी में है, पर पृथ्वी से जल अलग है, जल से अग्नि अलग है, अग्नि से वायु अलग है, वायु से आकाश अलग है। तो क्रिया और कारण, ये दो शब्द हुए। कारण ब्रह्म है, क्रिया संसार है। उन्होंने बनाया, ये क्रिया है भगवान की। ये जो संसार है ये भगवान कृत है, भगवान के द्वारा रचा गया है, तो ये क्रिया है। तो भगवान इस संसार में प्रविष्ट भी हैं और अप्रविष्ट भी हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़े में मिट्टी है या नहीं है? हाँ, जहां मिट्टी का अभाव हो जाएगा वहां घड़ा रहेगा ही नहीं। तो घड़े में मिट्टी है या नहीं है? पर अतिरिक्त मिट्टी भी तो है, अतिरिक्त मिट्टी भी तो है, उससे अलग भी तो मिट्टी है। कितने का घड़ा बना? 1 किलो 2 किलो 3 किलो, ज्यादा से ज्यादा 10 किलो। वो माठ बनते थे पहले, जिसमें सामान रखा जाता था,